मॉर्निंग माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ सावन भादों में जाले नहीं साफ़ करते हैं, तो नहीं जाले साफ़ करने के वजह से फ्रेंड बहुत ज़्यादा घर में जाले लग गए हैं। हर जगह मुझे गंदगी दिखाई दे रहा है और ये मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची छोड़ो, सावन और भादो गया जो भी, और सावन में तो 2 महीने नहीं झाड़ी हूँ। हर बार तो देखिए सावन में 2 महीने इस बार पड़ा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे मैं अब सभी जगह जाले वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि आ रही है तीज और तीज में हमारे घर में पूरे अच्छे से सफाई होती है फ्रेंड। तभी मतलब क्योंकि पूजा पाठ का टाइम होता है ना, तो सभी जगह पूजा पाठ में तो सभी लोग साफ़ सफाई करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं सभी जगह जाले साफ़ कर
तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ब्लाउज सिलने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लाउज कट करूँगी। तो ये ब्लाउज में जो बॉर्डर रहती है ना बैक साइड या बाजू में लगाने के लिए वो वाली है, तो मैं ऐसे कट करूँगी। मैंने ये ब्लाउज पहले से कट करके रखा है, इसी के नाप से दूसरा ब्लाउज कट कर लूँगी। तो ये सारे पीसेस हैं और इसी को रख रख के मैं ब्लाउज कट करूँगी। इस तरह मैं सारे पीस रख रख के कट कर लूँगी एक दूसरे का, जैसे सेम पीस है, ये एक साइड का, ये एक साइड का और ये भी एक साइड का, एक साइड का। तो इस तरह रख के मैं सारे पीसेस कट कर लूँगी। तो दोस्तों हो गई है काम का कारण वगैरह, दिन का था तो सब्जी तो नहीं बनाऊंगी,
और लग गई हूँ अपने कामों में। तो तीज की हो रही है तैयारी, सुबह से पूरा घर को साफ सुथरा की हूँ फ्रेंड, और ब्लाउज सिलने के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि आजकल ब्लाउज की स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया है। मैं खुद से ही सिल लूँगी, एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि मेरे कमर में पेन हो जाता है, तो एक दो दिन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा ब्लाउज मैं बनाई हूँ पहले भी। तो आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देखते हो तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते एक नए से और अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय फ्रेंड।